कार्यालय का उद्घाटन किया। वहीं कासगंज के धनतोरिया रोड पर आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में एक आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम बार कासगंज जनपद में आई प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर छवि यादव जी का सभी पार्टी कार्यकर्ताओं ने एवं पदाधिकारियों ने फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। वहीं संजय सिंह राजपूत ने कहा कि हमारी आम आदमी पार्टी इस समय सदस्यता पर विशेष जोर दे रही है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को व नए लोगों को पार्टी से जोड़ा जा रहा है और इस बार जिला पंचायत सदस्य एवं ग्राम पंचायत के चुनाव में आम आदमी पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी। सभा को संबोधित कर प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर छवि यादव जी ने सभा में उपस्थित सभी पार्टी कार्यकर्ताओं का स्वागत किया और पार्टी से ज्यादा लोगों को जोड़ने का आह्वान किया। साथ ही जुड़कर लोगों तक, जन जन तक पार्टी की नीतियों को पहुंचाने का आह्वान किया गया और कहा कि महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न अत्याचार के लिए योगी सरकार जिम्मेदार है। नारी शक्ति को मिशन के रूप में देखने वाली उपरोक्त सरकार नारियों की सुरक्षा करने में विफल साबित हो रही है। आप देख सकते हैं इसका जीता जागता सबूत हासरत की दलित के साथ गैंग रेप की घटना, अभी हाल फिलहाल में हुई एटा की युवती के साथ गैंग रेप की घटना इत्यादि इन चीजों का ठोस सबूत है। सभा को जिला उपाध्यक्ष अनिल कुमार सक्सेना, जिला मीडिया प्रभारी संतोष राजपूत, जिला महासचिव राकेश कुमार असोलिया, प्रभारी ब्रिजेश कुमार सक्सेना, ओमवीर सिंह प्रदेश महासचिव, जिला अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ रेखा देवी, जिला उपाध्यक्ष मीना सक्सेना, जिला प्रचार मंत्री अनुज कुमार दुबे, कोषाध्यक्ष सुनील कुमार वर्मा, कमल कुमार गोला, सचिव सुधाकर यादव, सचिव सतवीर सिंह यादव, सचिव मनोज कुमार शाह के सम्राट यूथ विंग, जिला अध्यक्ष राकीव कुरेशी, उषा देवी कुशवाहा, वरिष्ठ पदाधिकारियों ने सभा को संबोधित किया। साथ में मुख्य रूप से मुशीर भाई, मानपाल सिंह, सुखबीर सिंह बघेल, अफसाना शाहीन, शमशाद अली, पूर्व प्रधान योगेश गुप्ता, लाला दिलीप कुमार गुप्ता इत्यादि पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता उपस्थित रहे। देखिए कासगंज से संजय सिंह की यह रिपोर्ट। आप देश के लिए, समाज के लिए, पार्टी के लिए, अपने बच्चों के लिए, दूसरे के बच्चों के लिए जो भी योगदान दे रहे हैं, चाहे अपने समय का योगदान देते हैं,